आजकल हर जगह सोप डिस्पेंसर्स, सैनिटाइजर्स, सोप केस यही देखने में मिल रहा है, क्योंकि आजकल चल रहा है कोरोना काल। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्रिएटर्स। और आज हम करने जा रहे हैं ये पुराने सोप डिस्पेंसर्स का मेकओवर। इसके लिए हमें चाहिए सीमेंट, बालू रेती, सोप डिस्पेंसर्स, एक कार्डबोर्ड, सीजर्स, नाइफ, बाउल घोलने के लिए, पानी और एक ओवल शेप का एम्प्टी कंटेनर, जिस शेप में हम सोप केस को बनाएंगे। कार्डबोर्ड का एम्प्टी कंटेनर उसके साइज का चाहिए जो हमारा सोप डिस्पेंसर्स हो उसके अंदर आ जाए, और अगर बड़ा हो तो उसको अपन मार्क करके नीचे से 1 इंच छोड़ करके कट कर देंगे, जिसके से वो उसके अंदर फुल्ली अटैच हो सके। और जितना एक्सेस पार्ट होगा उसको या नाइफ से या कैंची से कट करके अलग कर देंगे। पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वो उसके अंदर जाए, उससे छोटा ना हो, डिस्पेंसर से कार्डबोर्ड छोटा ना हो, उसके बराबर ही हो। देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ ये इसके बराबर है, इसको काट के हम साइड में रख देंगे। अब हम सोप केस जो बनाना है उसका कंटेनर लेंगे, उसके लिए लाइनिंग अंदर से लगाएंगे, ये है प्लास्टिक की लाइनिंग, ठीक है। अब अपन को बनाना है वो सीमेंट और सैंड का मिक्सचर। हमको चाहिए 1:2 का रेशो सैंड का एंड सीमेंट का। सबसे पहले हम ले रहे हैं सैंड दो बाउल जो ले रहे हैं उसको मैंने छान करके लिया है, क्योंकि कई बार होता है छोटे छोटे स्टोन्स उसमें आ जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो टेक्सचर बनता है वो प्रॉपरली नहीं बनता है, तो उसको आपको अच्छी तरह छन्नी से छान लेना पड़ेगा। और ये जो मोटे मोटे कंकर हैं इसको आप बाद में किसी DIY में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप फेंक दें। ये मैंने सीमेंट ले ली है, दोनों को अच्छी तरह ड्राई में ही मिला लें। इसलिए ड्राई में मिलाना है क्योंकि जब सीमेंट के साथ पानी मिलता है तो लम्स बनने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप पानी मिलाने के पहले, वाटर ऐड करने के पहले ड्राई दोनों चीज़ों को, सैंड एंड सीमेंट को, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें लिटिल लिटिल बिट, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी पोर करना स्टार्ट करेंगे, और पानी उतना ही पोर करना है अपन को कि जितना इसमें एब्जॉर्ब हो सके, ऐसा ना हो कि बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी का आपके पास में मटेरियल रेडी हो जाए। अगर आपने रनी कंसिस्टेंसी बना दी तो ये जो आपका कार्डबोर्ड का बना हुआ है उसके चारों तरफ से निकलने लग जाएगा, उसके जो जॉइंट्स हैं उसमें से निकलने लग जाएगा। बाय चांस ऐसा होता है कि पानी आपसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है तो आप थोड़ी सी सीमेंट, थोड़ा सा बालू रेती दोनों को मिक्स कर लें और मिक्सचर को थोड़ा सा हार्ड बना लें। अब हमने ये जो लिया है कंटेनर, इसके अंदर ये जो अपन ने सीमेंट और सैंड का मटेरियल बनाया था इसको उसके अंदर पोर करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो डिस्पेंसर है वो कार्डबोर्ड के बिल्कुल मिडल साइड में ही सेट हो, ना वो राइट हैंड में साइड ज़्यादा हो ना लेफ्ट हैंड साइड में। मिडल में रहने से उसकी जो मोटाई है दोनों साइड की सीमेंट की वो इक्वल आएगी, और पहले जब आप डिस्पेंसर को रखेंगे तो उसके पहले थोड़ा सा सीमेंट का मटेरियल, जैसे मैं डाल रही हूँ नीचे और फिर उसके बाद रख रही हूँ, ऐसा करके रख दें ताकि उसका बेस भी मजबूती से बन जाए और सोप डिस्पेंसर उस पर चिपक जाए, तो ऐसा होने से आपके हिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर नहीं हिलेगा तो ये आपका जो सोप डिस्पेंसर है वो मिडिल में ही रहेगा। अब हम बना रहे हैं सोप केस। मैंने जो बताया था टिफिन, टिफिन में अपन ने लाइनिंग लगा के रख ली थी। क्यों लगाई थी? पॉलीथिन की लाइनिंग, जिससे कि हमको डीमोल्ड करते वक्त बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाए और हमारे जो सोप बन केस बनेगा उसका टेक्सचर बिगड़े नहीं। हमने ले लिया है, उसके बाद में ये जो मिक्सचर था ये हमने
वही वाला मिक्सचर है जो हमने उसमें भरा था, उसको डाल के इसके अंदर और उंगलियों से चारों तरफ से ऐसे टैप किया कि उसकी जो आउटर सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ बन सके, उसमें कोई भी ऊपर उठा हुआ या नीचे बबल इस टाइप का कुछ भी ना दिखे। हालांकि ऊपर नीचे होगा तो सूखने के बाद आप इसको रेतमाल से रगड़ करके इक्वली कर सकते हैं, पर जितना हो सके हमको पहले ही कर लेना चाहिए जिससे कि आपका जो सोप केस है वो सामने से पूरा इक्वल हो जाए। ये देखिए, और इसको आप 24 आवर्स के लिए रख दीजिए, उसके बाद देखते हैं हम क्या निकला। ये मेरा 24 आवर के बाद में निकाला हुआ प्रोडक्ट है। इसको मैंने डीमोल्ड किया, देखें, और थोड़ा सा सोप केस, अगर आपने देखा होगा कि सोप रखने के लिए थोड़ा सा अंदर से डेप्थ रहती है जिससे सोप को अंदर तक जाने के लिए उसका शेप के अकॉर्डिंग मिल जाए, तो उसको करने के लिए मैंने ये जो रेतमाल लिया है, रेतमाल से लेके उसको थोड़ा थोड़ा मिडिल में रब कर दिया जिससे कि मिडिल से वो थोड़ा डेप्थ वाला हो जाए, आइट साइड में वो थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। अच्छा, इसको घिसने के बाद में ब्रश से ज़रूर साफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ अगर आपने ब्रश से अगर उसको साफ़ नहीं करा तो अब जब कलर करेंगे तब बहुत दिक्कत आएगी। ऐसे ही हमें डीमोल्ड करना है हमारा कार्डबोर्ड वाला जो अपन ने रेक्टेंगल बनाया था डिस्पेंसर उसको। इसको भी 24 आवर्स हो चुके हैं, फिर भी ये थोड़ा थोड़ा सा गीला है, पर कोई बात नहीं, इसको अपन डीमोल्ड कर सकते हैं। डीमोल्ड करने के बाद में अगर कहीं से ऊपर नीचे होता है तो आप सैंड पेपर को ज़मीन में रख लें और उसके ऊपर से घिस दें। मैं ज़मीन में रख कर घिसने के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज स्ट्रेट रहेगा। अगर आपने हाथ में लेकर उसको घिसा तो आपके हाथ में कभी हो सकता है टेढ़ा सैंड पेपर पकड़ा हुआ हो तो कहीं से ज़्यादा इम्प्रेशन दब जाए, और कहीं पर ऊपर पकड़ा हुआ हो तो कहीं से ज़्यादा घिस जाए। तो इसलिए बेटर यह होगा कि आप सैंड पेपर को नीचे दबा लो और उसके ऊपर से घिसते चले जाओ, तो आपका एक बेस बना रहेगा और आपको घिसने से आपकी जो 6 सरफेसेस हैं वो पूरी की पूरी आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी। इसके बाद में पूरा झाड़ने के बाद हमने इसको करा है एक ऑयल पेंट से पेंट। ऑयल पेंट के बजाय आप किसी भी कलर से कर सकते हैं। अगर मेरे पास में पुट्टी होती जो सीमेंट के ऊपर लगाई जाती है वो होती तो मैं ये ऑयल पेंट नहीं करती, डायरेक्ट फैब्रिक कलर्स कर देती, पर मेरे पास में फैब्रिक कलर ज़्यादा ना लगे इसलिए मेरे पास ये कलर था ऑयल पेंट का, जो मैंने इसको सरफेस स्मूथ बनाने के लिए पूरा 2 कोट करके सुखाने के लिए रख दिया, और 2 आवर्स में ये कोट सूख गया। इसके सूखने से जितना इसका सीमेंट का झड़ना था या कुछ भी निकलना था वो सारा चीज़ें ख़त्म हो गई, और इसके जो हैंडल्स हैं जो दबाने के प्रेशर जिसमें से आउट आएगा वो भी मैंने इसको कलर में कर दिए। उसके बाद में जब ये सूख गया अच्छी तरीके से तो इसके आउटर ऊपर वाले पोर्शन पे 14-15 स्ट्रिप्स मैंने डिज़ाइन के लिए रोप लगा दी। ये रोप वही रोप हैं जो जूट रोप्स के नाम से आपको हार्डवेयर शॉप पे अवेलेबल हो जाएंगी। इसका स्टार्टिंग में मैंने हॉट गन ग्लू से चिपकाया और वापस टर्न करती चली गई, और एंडिंग में देखिए मैं चिपका रही हूँ और उसको कट कर दिया, फर्स्ट और स्टार्ट, और आखिरी में वापस से एक बूंद और हॉट गन ग्लू और ये चिपक गया। इसके बाद मेरा बारी आती है सोप केस को कलर करने की। सोप केस को अब मुझे देना है बेस का वाइट कलर, तो मैंने सोप केस को किया वाइट कलर जिससे कि वो हो गई वाइट कलर में। एक बात याद रखिएगा, सोप केस में जो छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं उसके अंदर भी आपको कलर्स करना है, नहीं तो वो दूर से आपको ब्लैक कलर के दिखेंगे और जो आपके कलर को अनइवन सरफेस प्रोवाइड कराएंगे जिसके कारण हमारा कलर जो है वो टूटा हुआ दिखेगा। जो हमारी सर्कल बनाएंगे हम या फिर कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर इवन ना दिखते हुए अनइवन दिखेगा। ये मैंने देखिए दोनों चीज़ें पेंट कर ली हैं वाइट कलर से, डिस्पेंसर को भी कर लिया है और साथ साथ में सोप केस को भी कर लिया है। 2 कोट मैंने इस वाले डिस्पेंसर पे भी कर लिए हैं और इसका कलर एकदम वाइट हो गया है।
इसके आइट साइड में कराया है मैंने सोप केस में, अब इसके सामने वाले पोर्शन पर भी मैं इसको कर रही हूँ। फैब्रिक कलर से करने से फ़ायदा ये होता है कि ये 2-3 आवर्स में पूरी तरह ड्राई हो जाता है और इसके आगे जो भी आपको काम करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो फैब्रिक कलर ही 90% आप यूज़ कीजिए। फैब्रिक कलर करने से शाइन भी आती है। ये मेरी सोप डिस्पेंसर के ऊपर कलर हो गया। नाउ टाइम टू डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन करना है, सबसे अच्छा डिज़ाइन होता है सर्कल, हर किसी को आता है बनाना। छोटे सर्कल, बड़े सर्कल या फिर बड़े सर्कल के अंदर छोटे सर्कल, हम वही करेंगे आज। 2-3 कलर्स ले लेंगे। मुझे तो सारे ऐसे कलर्स पसंद हैं जो ब्राइट हों, तो मैं सारे ब्राइट कलर्स ले रही हूँ, रेड, येलो एंड ब्लैक। रेड कलर्स को ले लिया मैंने और उसके अंदर कुछ कुछ में भर दिया येलो कलर के छोटे डॉट्स, और जहां पर येलो कलर के बड़े डॉट्स लिए वहां पर अंदर भर दिया कभी ब्लैक तो कभी रेड। ऐसे ही सब जितने भी सर्कल्स हैं उनको मैंने ड्रॉ कर लिया, और कुछ मैंने बनाए हैं किनारे किनारे में हाफ सर्कल्स। हाफ सर्कल्स इसलिए बनाए हैं कि वो लुक ऐसा दें कि आधे सर्कल इस रोप के अंदर हैं और कुछ आधे सर्कल इस साइड के बजाय दूसरी साइड चले गए हैं। तो ये देखिए मेरा डिज़ाइन हो गया रेडी। मैंने सब सर्कल्स कुछ हाफ कुछ फुल कुछ डबल कलर्स में बना दिए। मैंने यहाँ पर पोल्का डॉट्स बनाए हैं। अगर आप चाहें सर्कल के अलावा आपके पास में अगर स्टेंसिल्स अवेलेबल हैं तो स्टेंसिल्स बना सकते हैं। आपके पास में स्टेंसिल्स नहीं हैं, स्केल है तो स्केल से स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अल्टरनेट टेप चिपका दें और एक ही कलर कर दें और टेप्स को बाद में निकाल दें तो डबल कलर की स्ट्रिप्स बन जाएंगी। ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिव मोड पर, आप चाहें जैसा क्रिएटिव बन जाएं और अपने डिस्पेंसर को वैसा बना लें। इस प्रकार के डिस्पेंसर्स आपके स्टेटस को इन्हेंस करेंगे। टू इम्प्रूव योर स्टेटस एंड बूस्ट योर क्रिएटिविटी, Subscribe our channel Creative Creators.